मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम, ये जो एल्गोरिदम है ये एक डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी पे काम करता है। फॉर एग्जांपल, आपके सामने एक इनपुट लिस्ट दी हुई है 5214367। इस इनपुट लिस्ट को आपको सॉर्ट करके एक सीक्वेंस में लाना है यूजिंग मर्ज सॉर्ट, जिसका आउटपुट होगा 1234567। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है, उसमें मिडल एलिमेंट क्या होता है, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स, ये सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में कवर करेंगे और इसका एल्गोरिदम भी अपन देखेंगे कि कैसे इसका एल्गोरिदम लिखा जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरे वीडियो को अगर पहली बार कंज्यूम कर रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कोडिंग से रिलेटेड बेस्ट वीडियोज़ आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। अब गाइस देखते हैं कि ये जो इनपुट लिस्ट दी हुई है 5214367, इसको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टू पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब डिवाइड करने के लिए आपको एक मिडल एलिमेंट लगेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा स्टार्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0, तो 0 इंडेक्स पे क्या है, 5, ठीक है। एंड इंडेक्स हमारा क्या हो गया, 6, तो 6 इंडेक्स पे 7 स्टोर है। तो हम इंडेक्स के थ्रू उसको काउंट करते हैं। मैं अज्यूम करूँगा कि आपको बेसिक नॉलेज जो एरे का रहता है वो आपको क्लियर है, जिसमें इंडेक्स है 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट इंडेक्स हो गया 0 और एंड इंडेक्स हो गया 6, तो 0 प्लस 6, 6 डिवाइडेड बाय 2, इससे हमारा मिडल एलिमेंट निकला 3, ठीक है। तो 3 इंडेक्स तक हम इसको मार्क करेंगे। तो पहली लिस्ट हमारी लेफ्ट वाली जो लिस्ट हो गई वो हो गई 5214, और जो राइट लिस्ट हो गई वो हो गई 367। तो इस तरीके से स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स के थ्रू मिडल एलिमेंट फाइंड किया हमने और उसको डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में। अब ये जो लिस्ट बनी है, लेफ्ट वाली और राइट वाली, इन लिस्ट को भी हम सब डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो लेफ्ट में हमारी लिस्ट बनी ना 5214, इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे। तो इसमें भी स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स निकाल के उसका मिडल एलिमेंट निकालेंगे हम और उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारी लिस्ट इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी, 52 एक लेफ्ट लिस्ट बन जाएगी और 14 एक राइट में आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही राइट वाली जो लिस्ट है उसको भी हम सब डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स निकाल के हम मिडल एलिमेंट से एक 3 और 6, 7, ऐसे दो में उसको डिवाइड कर देंगे। अब ये हो गया तीसरा सब लिस्ट। पहली जो लिस्ट बनी उसके हमने दो पार्ट्स किए, लेफ्ट और राइट, और इस लेफ्ट पार्ट के भी हमने और दो पार्ट किए। अब ये जो लेफ्ट वाला पार्ट बना इसके भी हम सब डिविज़न करेंगे जब तक एंड में एक एलिमेंट नहीं बच जाता, सिर्फ एक ही एलिमेंट बचना चाहिए, तब तक हम इसको सब डिवाइड करते रहेंगे। अब 5 और 2 जो लेफ्ट वाली लिस्ट है उसको भी डिवाइड किया, तो 5 और 2 अलग अलग हो गए एलिमेंट, तो हमारा बचा 5, नीचे 5 और 2, ठीक है। वैसे ही 1, 4 को भी डिवाइड कर दिया, तो 1, 4, ऐसे सेपरेट एलिमेंट्स हमारे पास आते जा रहे। और यहाँ पर 3 था और 6 और 7 को भी मैंने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ 6 और 7 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो लास्ट वाली हायरार्की है, ये एक जो स्ट्रक्चर बना है, इसमें 5, 2, 1, 4, 3, 6, 7, ये एक सेपरेट एलिमेंट्स हमें मिल चुके हैं। ये जो प्रोसीजर हमने अभी फॉलो किया इसको बोला जाता है डिवाइड। अब हम करेंगे कॉन्कर। कॉन्कर मतलब क्या, मर्ज, ठीक है, मर्ज करेंगे उसको, इसीलिए उसको नाम दिया है मर्ज सॉर्ट। अब जो लास्ट एलिमेंट्स हमें मिले 5, 2, 1, 4, 3, 6, 7, इसको अब मर्ज करेंगे, ठीक है। तो पहले 5 और 2 को मर्ज किया, वहाँ पर मिल गया 5, 2, लेकिन अब हम 5, 2 इस सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे, हम इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिखेंगे, पहले 2 फिर 5, ठीक है, सॉर्ट करके लिखेंगे। यानी अगर 5 > 2 है तो वो स्वैप कर देंगे, वहाँ पे 2, 5 आ जाएगा। वैसे ही 1, 4, तो 1, 4 में 1, 4 सेम ही रहेगा क्योंकि वो 1 < 4 है, ठीक है। 3 तो सेपरेट एलिमेंट ही था, 6 और 7 में 6 और 7, 6 < 7 है, तो वहाँ पर सेम रहेगा। तो अब हमारी लिस्ट क्या बन गई, 2, 5, 1, 4, 3 और 6, 7, ठीक है। ये हो गई एक मर्ज वाली लिस्ट। अब इसको भी फर्दर मर्ज करेंगे अपन, तो 2, 5 एक लिस्ट हो गई और 1, 4 हो गई, तो इन दोनों को मर्ज करेंगे सॉर्टेड ऑर्डर में, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1, 2, 4, 5 और यहाँ राइट साइड में 3, 6, 7। तो इस तरीके से दो और सब लिस्ट हमें मिल गई। अब इन दो सब लिस्ट को भी सॉर्ट करके हम मर्ज करेंगे, तो हमारा एंड रिजल्ट हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरीके से आप मर्ज सॉर्ट को पहले डिवाइड करेंगे, फिर उसको कॉन्कर करेंगे, फिर मर्ज करके एक जो सॉर्टेड लिस्ट आएगी वो हमारा होगा आउटपुट। अब इसको अगर आप प्रोग्राम या एल्गोरिदम के लैंग्वेज में सोचेंगे ना, तो बहुत इजी है कि जब दो लिस्ट थी हमारे पास उसमें हम कंपेयर कर रहे थे, राइट। जैसे 5, 2 एक लिस्ट थी, उसमें हमने मर्ज करके 2, 5 किया, राइट। तो यहाँ पे हमने एक कंपेरिजन किया, तो आप चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट इंडेक्स और सेकेंड इंडेक्स एरे का अगर ग्रेटर है तो उसको स्वैप कर देंगे। वैसे ही जो सेकेंड जो लिस्ट थी 1, 4 वाली, उसको भी हमने प्रॉपरली चेक किया, 1 < 4 है कि ग्रेटर है, फिर उसके हिसाब से उसको वहाँ पे मर्ज किया। इस तरीके से आप वहाँ पे कंपैरिजन्स लगा के
उसको रिपीटेटिव लूप में लगा सकते हैं। रिकर्जन के थ्रू भी आप इसके एल्गोरिदम को फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम का, ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये अप्लाई किया जाता है। पहले डिवाइड करेंगे, स्टार्ट और एंड निकाल के मिडल एलिमेंट फाइंड होगा, मिडल एलिमेंट से लिस्ट फाइंड होगी, फिर उस लिस्ट को फर्दर डिवाइड करेंगे, फिर उसकी जो लिस्ट होगी उसको भी फर्दर डिवाइड करेंगे, जब तक लास्ट में एक एलिमेंट नहीं मिल जाता। पूरे इसमें जो एक एक एलिमेंट मिल गया, फिर फाइनली हम उसको मर्ज करेंगे एक एक सॉर्ट कर करके, ठीक है। तो इसमें अगर आप नोटिस कर रहे होंगे ना, तो जो डिवीज़न वाला पार्ट है, जैसे स्टार्ट और एंड, इसमें मिडल एलिमेंट हमने निकाला, इसका ही जो लिस्ट बना लेफ्ट वाला, उसमें भी हमने मिडल एलिमेंट निकाला और वो स्टार्ट और एंड निकाला। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है एक प्रोसीजर का। सबसे पहले हम अल्गोरिदम के लैंग्वेज में स्टेप वन में हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप में वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेंगे कि स्टार्ट क्या होगा, एंड क्या होगा, मिडल क्या होगा, एक एरे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेप टू। अब स्टेप थ्री में हम पहले मिडल एलिमेंट निकालेंगे, फिर उसमें मर्ज सॉर्ट लगा के पहले लेफ्ट वाली जो लिस्ट है उसको सॉर्ट करेंगे। तो मैं बोलूँगा मर्ज सॉर्ट एरे और लेफ्ट और मिड, ठीक है। तो इससे लेफ्ट वाली जो लिस्ट है वो सॉर्ट हो जाएगी। वैसे ही राइट साइड में करेंगे, राइट साइड के लिए मर्ज सॉर्ट एरे, मिड प्लस वन और राइट वाली। तो मिड प्लस वन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो पहली लिस्ट थी, जो हमारी बड़ी लिस्ट थी ना, एक 5, 2, 1, 4, 3, 6, 7, उसको हमने डिवाइड किया था ना, तो ये जो मिडल एलिमेंट था 3, तो ये इसके बाद वाला जो एलिमेंट होगा ये हो गया मिड प्लस वन। तो इस तरीके से आप इसको सोच सकते हैं, ठीक है। फाइनली एंड में उसको हम मर्ज कर देंगे, मर्ज एरे लेफ्ट मिड और राइट, ठीक है। और स्टेप फोर हो जाएगा स्टॉप। तो इस तरीके से आप इस अल्गोरिदम को सोच सकते हैं। अगर आपको इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन चाहिए सी, सी प्लस प्लस, पाइथन या जावा में, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं आपको इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके भी दिखा दूंगा। प्रॉपर अगर सपोर्ट मिलता है इस चैनल पर, तो मैं बहुत सारी चीज़ें भी इस पर अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। सॉर्टिंग अल्गोरिदम्स में ये सेकेंड अल्गोरिदम हमने देखा। पहला हमने देखा था बबल सॉर्ट अल्गोरिदम, वो वीडियो अगर आपने मिस कर दिया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कार्ड में मैंने ड्रॉप कर दिया, आप देख सकते हैं। और मर्ज सॉर्ट का तो ये वीडियो में आपका क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से सारे सॉर्टिंग अल्गोरिदम्स हम कवर करेंगे इस प्लेलिस्ट में। तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहे और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।